पति ने पत्नी को मारी गोली, पत्नी की मौत, पति ने अपने आप को भी मारी गोली, हालत गंभीर। सूचना पर मौके पर पहुंची टहरका पुलिस ने एम्बुलेंस 108 की मदद से घायल मुकेश कुशवाहा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निमाड़ी भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी किया गया रेफर। नमाड़ी के टहरका थाना अंतर्गत ग्राम जिखन गांव का मामला सामने आया है, जहां घरेलू आपसी विवाद के चलते पिछले 4 माह से मायके में रह रही पत्नी रामप्यारी कुशवाहा को उसके ही पति मुकेश कुशवाहा ने तड़के सुबह गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पति ने खुद को भी गोली मार ली। गोली चलने की आवाज से आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जिसकी सूचना टहरका पुलिस को एवं 108 एम्बुलेंस को दी गई। मौके पर पहुंची 108 की मदद से घायल मुकेश कुशवाहा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निमाड़ी भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मृतक रामप्यारी कुशवाहा के शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निमाड़ी भेज दिया गया है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल पर मिले 315 बोर का कट्टा समेत और भी साक्ष्य इकट्ठा कर फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। वहां निमाड़ी एडिशनल SP सुरेंद्र जैन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। निमाड़ी से SRB पर रफत जाफरी की रिपोर्ट। ये जीखन गांव एक गांव है टहरका थाना क्षेत्र में। यहां की एक लड़की है जो कि झांसी से आई थी, राम कुमारी कुशवाहा। वो विगत करीब एक वर्ष से यहीं पर अपने मायके में रह रही थी, और आज सुबह 5:30 बजे उसके पति मुकेश कुशवाहा ने आकर उसको गोली मारी, और गोली मारने के बाद खुद भी अपने आप गोली मार ली। इस घटनाक्रम में राम कुमारी की मृत्यु हो गई और मुकेश कुशवाहा घायल हुआ। उसको निवाड़ी भेजा गया अस्पताल, निवाड़ी से वो झांसी रेफर होके झांसी में इलाजरत है। ये जिखन गांव में सूचना प्राप्त हुई थी कि गोली लगने का प्रकरण सामने सूचना मिली थी, जिसके संबंध में हमने यहाँ पे आके देखा है थाना प्रभारी टहरका के साथ। तो एक महिला मृत अवस्था में पड़ी, जिसके सीने पे गोली लगी हुई है, और जो कि गोली क्लोज रेंज से लगी हुई है, ये प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। और साथ ही जो आरोपी उसका जो पति है वो इसमें हॉस्पिटलाइज है, वो झांसी में है, और उसके लिए भी बोल दिया गया हैंड स्वाप कराने के लिए हाथों का। तो और बाकी ये दोनों सब चीज़ें घटनास्थल से जो भी भौतिक साक्ष्य हैं, और PM उपरांत और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, आखिर गोली लगने संबंधित प्रकरण और स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन दे सकता है। पुराना विवाद बता रहे हैं ऐसा, और वो विवेचना में चल भी रहा है, आगे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी संबंध में कि आखिर क्या है मामला। सुखदीन कुशवाहा जो घटना हुई आप जी, क्या हुआ? ये हुआ कि मेरी चचेरी बहन जो राम कुमारी है, वो नल से पानी बहने गई, तो मैं लेटन बाथरूम होके आ रहा था वापस, तो उसने राम कुमारी में 2 मीटर फासला से कट्टा मार दिया। किसने मार दिया? उसने मुकेश कुशवाहा झांसी ने। कौन था उनका? वो उसी का पति था राम कुमारी, हमारा माना चचेरा दमान। फिर सुना वो भी घायल हुआ? नहीं, फिर वो घायल ऐसे हुआ, फिर हमने कहा कि क्यों जी लाला जी, जी क्या घटना कह दी आपने? सोचा ना समझा बेचारा कुछ नहीं। सो बोले क्या हो गया, हमने कि इसको क्यों मार दिया आपने, गलत किया आपने? बोले तो हम देखते हैं उसको ख़त्म हुई या नहीं हुई। तो वो पलट के फिर गया उसके पास, तो उसको उठाया खिसकाया इधर उधर, तो वो लटपथा आई थी, लथपथ थी खून से, तो खून में लथपथ होने की वजह से फिर उसने अपने 315 में अपना कारतूस लूट किया और स्वयं में गोली मार के उसी पर लेट गया। हरिशंकर कुशवाहा भाई हो? हाँ, हमारी बहन है वो। क्या नाम था? राम कुमारी कुशवाहा। क्या विवाद हुआ था? जी दोनों मियाँ बीवी में विवाद था, बहन हो गई मैं। अच्छा अच्छा, पत्नी में विवाद? हाँ। कितने लंबे समय से चल रहा? जी चल रहा कम से कम साल भर के करीब से। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि चार दिन पहले जो आया सो इतने धमकाया है घर वालों को, और बहन रिपोर्ट के भी लिए भी गई, सो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले ने FIR भी कर ली थी, एक भी बंद भी कर लो, और 2 दिन पहले एक FIR हुआ करी जो आज से मारो भी है। सो जी आज से हम लोगों को पुलिस वाले का धमका के वो भग गए, बोले कत्ते साले आपसी में विवाद नहीं करो, उसको कहाँ रखोगे, ये जीवन भर थोड़ी रह पाएगी घर। सो जी दरोगा साहब ऐसे हम लोगों को धमका गया, हमने कछू नहीं करी है, ना उसे पकड़ू ना कछू करूँ, और जाके कहा कि भाई चले गए। वह सवेरे भर जो 5 बजे आया, वो इसने कहा कि सीधी बहन में गोली मार दी नल पे, वो कहा कि खुद में कहा कि झूठी मार के वो चला गया।
हाँ मौत हो गई, मौके पे ही मर गई, खत्म हो गई मतलब। इसके पहले हमने सुना उसके दूसरी शादी हुई थी। हाँ उसके पास दूसरी भी शादी हुई थी, उसने पहले की पत्नी को भी फांसी लगा के मार दिया था। कहाँ का निवासी? वो शिवाजी नगर झांसी का। और इनके भाइयों भी हैं, चार भैया हैं जी। सो जे लोग कहे कि हैसा नहीं देते बहन को, सो हिस्से पर नहीं रहते, कहते छोड़ जाते हम लगा पैसा जितने के लगे। सो घरेलू विवाद पर सुबह ये छोड़ गए तो ये मार भी की दम दे। तो सायसती लड़की थी? हाँ अपनी लड़की का है। कैसे हुई मौत, क्या हुआ? जे कान लायद भी आया था यार, वही तो चार पाँच महीना होते नहीं फिर तो आ गई थी। सो इत नाच पानी कटवाओ, इतना रखवा दो, वैसे जे दुकान धा दई थी। सो अपनी लांगा चुनिया ने किसी जन जान के ते सब दोनों की लड़ाई भाई, वो भग गओ आठ से नहीं पता तो आज जन सब भूए से कितने आगा। हम तो इतनी छिया बांध आई थी सब, सुबह से माँ से सपा भी बाहर सपा तो पूजा कर गई, सुबह सपा भी आ गई है उधर टाटी लेटांग में टाटी होकर बाल्टी मांझी और बस सपा के फिर अपनी माँ जाऊ गई। अब जो हो तो साफ पता तो इतना घटना का घट जाती पहला रपोटा रपाटी भाई फिर सुनाई नहीं भाई। पहले भी उसने कोई धमकी दी? हाँ दई ना रपोटे दो बे तीन बे का आया। हम एक दा हम गए थे सो ऐसो कहते 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 के ऐसो तो पुलिस ने पकड़ा नहीं फिर। हाँ हाँ कोई सुनवाई नहीं करी कछु सुनवाई कहते थे तो आज महाराज का कहूँ तो कछु। कहाँ का नवाज, क्या नाम था उसका? मुकेश। नमस्कार, मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे तेजी से खबर प्रसारित करने वाला एसआरटी बुलेटिन न्यूज चैनल। यदि हमारे चैनल द्वारा आपको दी गई खबरें पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा दी गई खबरें सबसे पहले पहुँचे आपके पास। हमारी और आपकी मुलाकात बनी रहेगी इस चैनल पर। अब मैं वर्षा आपसे